दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। आज हमारे साथ मौजूद है उच्च और उच्चतर शिक्षा मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार, जिन्हें दिल्ली में एजुकेशन बीट में, हायर एजुकेशन बीट में काम करने का एक लंबा अनुभव है। वरिष्ठ पत्रकार है पुष्पेंद्र मिश्रा, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े मामलों पर। पीछे आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हर सत्र लेट चल रहा था और जो पढ़ाई थी जिस तरह से हुई है वो माशाल्लाह है। छात्रों को भी जो परेशानियां हैं वो नतीजों में भी दिखी हैं, किसी तरह से बच्चों को पास किया गया है। तो क्या ये स्थिति बनी रहेगी या इसमें कुछ सुधार आ रहा है, ये हम जानते हैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी से। तो पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल दिल्ली देश में। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्या इस सत्र से कुछ सुधार होता दिख रहा है या अभी लेट लतीफी बनी रहेगी? शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा है कोविड का वो जारी रहेगा? कोरोना पर जो प्रभाव 2020-21 में पड़ा है वो अब मसलन जाने लगा है, क्योंकि अब पूरी तरह से सारी चीजें, गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में पूरी तरह से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज संचालित हो गई हैं, सेमेस्टर उनके संचालित हो गए हैं, जिनके एग्जाम्स करा लिए गए हैं, और नए सिरे से जो नया अकादमिक सत्र शुरू होगा वो नियत समय पर आने वाले समय में शुरू होने की पूरी संभावना है, बशर्ते कोरोना की जो चौथी लहर आने की संभावना है वो ना आने पाए। अगर वो आई तो फिर ये एक बार फिर से पुराने अकादमिक सत्रों की तरह फिर से देरी से शुरू होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो मौजूदा वक्त है उसमें पूरी तरह से कोशिश की गई है कि जो अकादमिक सत्र है उसको तय समय पर खत्म किया जाए, ताकि नया जो अकादमिक सत्र जुलाई से शुरू होना है या फिर सितंबर से शुरू होना है उसको उसी समय से स्टार्ट किया जाए। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि नीट की परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है, और भी जैसे आपका जेईई है, हाँ जेईई मेंस है, उसकी तारीखें आ चुकी हैं। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटियों के जो साझा जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए भी प्रोग्राम जारी हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार सत्र जो है इसमें काफी समय से शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे 2021 में हुआ, 20 में हुआ। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार अपने समय से सत्र शुरू हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जो कि जून में खत्म हुई, और जून के अंतिम हफ्ते में या फिर जुलाई के प्रथम हफ्ते में उनका नतीजा CBSE द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का आयोजन किया जाएगा, जो देश की 54 यूनिवर्सिटीज के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनकी तमाम स्नातक और परास्नातकों और डिप्लोमा कोर्सों में जो छात्र दाखिला लेना चाहते हैं 12वीं के बाद वो उनमें दाखिला ले सकते हैं, या जो स्नातक के छात्र हैं वो अन्य कोर्सों में दाखिला लेना चाहते हैं। तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा कॉमन, जिसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित कराया जाएगा, और इस परीक्षा में पास होने वाला बच्चा जो 12वीं का है उसके अंक चाहे 60% हो, चाहे 70% हो, चाहे 80% हो, उसका मानक यही होगा कि जो उसने अंक CUET में हासिल किए हैं उसी के आधार पर जो यूनिवर्सिटीज में मेरिट बन रही है उसमें उसको उस अंकों के आधार पर दाखिला मिलेगा। ये तो थी कोविड की वजह से दिक्कतें जो कि दूर हो भी सकती हैं, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कुछ नई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में जो मुद्दे बन रहे हैं या शिक्षण संस्थानों में जो नए मुद्दे बन रहे हैं वो जैसे हिजाब को लेकर है, या क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसे लेकर है। छात्र संगठन जो पहले हम लोगों के जमाने में इस बात के लिए लड़ा करते थे, आंदोलन करा करते थे कि फीस बढ़ गई है, कि शिक्षा ठीक नहीं हो रही है, कोई टीचर ठीक से पीरियड नहीं ले रहे हैं या बाहर अपने एजुकेशन प्रोग्राम पर रहते हैं, तो इन विषयों को लेकर हमारे छात्र संगठन हमारे समय में जागरूक रहा करते थे और वो आंदोलन कर दिया करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें पूरा बदलाव आ चुका है। छात्र संगठन जो है एक तो वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, और इतनी राजनीति मुख्य दल में नहीं हो रही है जितनी कि छात्र संगठन कर रहे हैं। क्या खाना है वो तय कर रहे हैं, क्या पहन के छात्र आएंगे या नहीं आएंगे, दूसरे छात्र अल्पसंख्यक छात्र क्या करेंगे, बहुसंख्यक छात्र क्या करेंगे, ये सब वही तय कर देना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे अब शिक्षण संस्थानों का माहौल और खराब होता जा रहा है?
राघव जी, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर, जो मेरी अपनी निजी राय है वो ये है कि राजनीति जो छात्र संगठन जो होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, वो दरअसल राजनीति का ककहरा सीखने के लिए होते हैं, ताकि वो वहाँ पर रहकर छात्र राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाएं। लेकिन जो उसमें धर्म को मिक्सअप किया गया है, जो धर्म जाति के एजेंडे को मिक्सअप किया गया है, जो खाने को लेके आपने कहा मांसाहार और ये चीज़ें जो उसमें लाई गई, ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको यूनिवर्सिटी से, शिक्षा से, एजुकेशन से, धार्मिक चीज़ों को बिल्कुल हटाना होगा, क्योंकि वहाँ सभी छात्र, सभी वर्ग, सभी समुदाय बिल्कुल एक है। एजुकेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, जैसे हमेशा थी। जैसे खाने के लिए जेएनयू में आई कि नॉन वेज खाना वो नहीं खा सकते हैं। सुनने में ये भी आया कि जो वहाँ का कावेरी छात्रावास था, उसमें जो मीट का मेन्यू था संडे के दिन वो बनना था, उसको रोकने के लिए किसी ने, उस जो व्यक्ति वहाँ पर मीट लाता था, जो सप्लाई करता था, सप्लायर है, उसको किसी ने फ़ोन करके ये कहा था कि आपको रामनवमी के दिन, संडे है जिस दिन, आपको मीट यहाँ पर नहीं लाना है। उस व्यक्ति ने अपना बयान दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है, वो जानता है कि किसने उसको फ़ोन किया था। तो इस तरह के मसले नहीं होने चाहिए, क्योंकि खान पान और पहनने पर लोगों का अपना निजी अधिकार होना चाहिए, जो कि हमेशा से होता आया है। सवाल यह है कि जो छात्र संगठन है, अब उनकी जो राजनीति है वो मैस तक आ गई है, यानी कि हॉस्टल की किचन तक आ गई है। और पहले तो यह होता था कि भाई शाकाहार मांसाहार दोनों बनते थे, और जो छात्र शाकाहार लेना चाहते थे उन्हें शाकाहार परोसा जाता था, जो मांसाहार लेना चाहते थे मांसाहार लेते थे। उसमें इस तरह की कोई बंदिश नहीं थी, कोई ऐसा नियम नहीं था कि शाकाहारियों के लिए मांसाहार बंद हो जाएगा, पूरे हॉस्टल में कोई नहीं खाएगा, या मांसाहारियों के लिए सभी शाकाहारियों को अपना शाकाहार छोड़ के मांसाहार ग्रहण करना होगा, ऐसी बंदिशें नहीं थी। क्या अब इस तरह की बंदिशें बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मांसाहारी हैं वो भी खास मौकों पर जो है उनके हिसाब से चलें जो शाकाहारी हैं, या मांसाहारियों की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि शाकाहारी उनकी ओर से चलें? तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है, और खासकर से छात्र संगठन भी आप देखेंगे, एबीवीपी है तो वो भाजपा से जुड़ा है, इसी तरह से कांग्रेस से जुड़े संगठन है, वामपंथी संगठन, छात्र संगठन है। तो जो राजनीति अब वो मुख्य धारा के जो दल हैं उस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, क्या चाहे वो हिजाब का मुद्दा उठाए, या आप देखेंगे कि लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है, या कर्नाटक सरकार ने उठाया है, तो सरकारें जो मुद्दा उठा रही हैं आप देखेंगे कि वो यूनिवर्सिटियों में उठ रहे हैं। कहानी इस तरह से पलट गई है कि आज से जब हम लोग पढ़ा करते थे तब ये कहा जाता था कि आज यूनिवर्सिटी का जो माहौल होगा, यानी यूनिवर्सिटी में जो बौद्धिक स्तर बनेगा वो अगले 10 साल में वो समाज का बौद्धिक स्तर होगा, यानी यूनिवर्सिटियों को समाज से 10-20 साल आगे माना जाता था। अब स्थिति ये है कि जो समाज में बन रहा है, जो नेता जो बना रहे हैं, वो जाकर साल 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में वो हाल बन रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही पार्टियां जीतती हैं, बदलती हैं, यूनिवर्सिटियों के माहौल बदल जाते हैं, यूनिवर्सिटियों का हाल जो है उस तरह का हो जाता है कि वहाँ मुद्दे जो है हिजाब के मुद्दे बड़े हो जाते हैं, वहाँ मास का मुद्दा बड़ा हो जाता है, वहाँ मैस का मुद्दा बड़ा हो जाता है, शिक्षा गौण हो चुकी है, हो रहा, बेरोजगारी चरम पर है, उसको लेकर भी अगर प्रदर्शन किया तो उन लोगों ने किया जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं। तो हालत यूनिवर्सिटी कैंपस की इतनी बुरी कर डाली है राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों से जुड़े, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे एसएफआई हो, या जो भी संगठन है इस वक्त, या कांग्रेस से जुड़े संगठन है, उन्होंने कैंपस के माहौल को लगता है खराब कर दिया है। तो इनको ये क्या है? जरूरी नहीं है कि इन्हें राजनीतिक दलों से अलग कर दिया जाए, संगठनों को, छात्र संगठनों को। एक बात, मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहला ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो छात्र संगठन बने हुए हैं वो लगातार अपनी पार्टी से जुड़ी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, और उनको, उनसे निर्देशन भी सीनियर लीडर्स से उन्हें मिलते रहते हैं कि कैसे चीज़ें क्या करनी चाहिए उनको, और उसके आधार पे ये चीज़ें उनकी बनती जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो अमुक छात्र संगठन ने जो काम किया है उसमें उस पार्टी का लेना देना जरूर होगा, लेकिन पार्टी खुले तौर पर ये कभी नहीं कहेगी कि आप इसको हिजाब का रंग दीजिए, इसको आप लाउड स्पीकर लगाइए, इसको आप ये करिए वो करिए। दरअसल पूरे देश में इस समय 65% जो आबादी है वो युवाओं की है, और किसी भी दंगे को भड़काने के लिए, किसी भी मूव को बढ़ाने के लिए, या कोई ऐसी हरकत करने के लिए आप सबसे
जो ज़्यादा वायलेंट माइंडसेट हो सकता है वो युवाओं का है, क्योंकि वो आगे पीछे की वो सोच नहीं सोच पाते जो हम आप बैठ के यहाँ सोच के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं और उस समय उनका टीन एज से पार निकले हुए हैं, वो अभी तक वो छात्र ही रहे थे, उन्होंने बहुत सारी दुनिया नहीं देखी है, तो उनको मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अभी अध्यापन नहीं किया है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनको भरमाना यानी कि उनको बहका लेना बहुत सरल काम है। इस काम के लिए तथा कथित पार्टियां उनका इस्तेमाल कर सकती हैं देश में माहौल को खराब करने के लिए। आप कह सकते हैं जैसे कि अभी हिजाब पर मामला चल रहा था तो उसमें भी स्टूडेंट्स का ही इस्तेमाल किया गया, अभी हनुमान जयंती पर भी एक मसला हो गया कि तलवारें लेकर बाहर लोग निकले, वहां गाड़ियों में आग लगी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। तो मेरा मानना यही है कि जो SFI हो गया, ABBP हो गया, लेफ्ट के जो संगठन हैं ISA हो गया या PFI हो गया, इन सभी संगठनों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, बयानबाजी करनी चाहिए। करें, इसमें दो बातें हैं जिन्हें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि रेशो जो है, आबादी का जो रेशो है, जब यूथ का ज्यादा आता है, जो 2018 से भारत में शुरू हो रहा है कि यूथ आबादी जो है 60% से ऊपर हो गई है, 65% के आसपास हो गई है, और ऐसा जब भी आया है, जब चीन में आया, जब जापान में आया, जब अमेरिका में आया या यूरोपीय देशों में आता है, तो वो देश बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं। यूथ पावर को माना जाता है कि जब यूथ की संख्या बढ़ती है तो वहां पर प्रगति दर या ग्रोथ रेट जो है GDP बड़ी तेजी से बढ़ती है। लेकिन भारत में जैसे ही 2018 में ये बना और ये लगा कि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक उलटी प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई, जबकि उस दौर में काम बढ़ाने चाहिए थे, कि जबकि जनसंख्या का जो डाटा था वो ये बता रहा था कि 2018 से हमारे यहाँ यूथ बढ़ने वाला है, लेकिन हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे थे। हम काम कर रहे हैं उस शक्ति को बर्बाद करने का, उसे गलत रास्ते पर लगाने का। हमारे पास उनके लिए काम नहीं है, हम उन्हें बेरोजगार रख रहे हैं और उन्हें हम धर्म के मुद्दे में लगा रहे हैं, वहां लड़ा रहे हैं कि वो रक्षा दल में शामिल हो जाइए, कि हिजाब के लिए आके लड़िए, कि मास्क के लिए आके लड़िए। इस तरह से हम अपनी युवा शक्ति को जो है बर्बाद कर रहे हैं और इसका खामियाजा देश को भुगतना होगा। चीन जो है 2000 के जो पहले आखिरी और पिछली सदी के आखिरी दशक में और 2000 के पहले दशक के मध्य तक इसी वजह से आगे बढ़ा है, क्योंकि वहां पर युवा आबादी का रेशो उस दौरान इस अवधि में सबसे ज्यादा था, और ये 30 साल के लिए रहता है, 25 से 30 साल के लिए रेशो रहता है। उसमें से हम देखेंगे कि 2018 से हम 4-5 साल तो हमने बर्बाद कर दिए, और अभी हम जिस दिशा में अपने देश को ले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ले जा रहे हैं, इन कैंपस माहौल को ले जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि हम अपने अगले 10 और 15 साल भी ऐसे ही बर्बाद करने वाले हैं। मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो देश के हालात बने हैं कोरोना महामारी के बाद, सदी की सबसे बड़ी, 2018 से कैंपस के यही हाल है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप बेरोजगारी का डाटा देख लेंगे तो 2018 का ही जो डाटा आना चाहिए, हालांकि 2016 से इन्होंने डाटा बहुत सार्वजनिक करने बंद कर दिए थे, 2018 से ये डाटा आने शुरू हो गए, फिर एक दो संस्थाओं ने अपनी ओर से जारी किए, उन पर सरकारों ने बहुत बातें नहीं कहीं, पकौड़े बनाने वाली हैं उस तरह की बातें हैं कि इनको भी जोड़ लिया जाए रोजगार में। तो ये नहीं कोरोना महामारी, कोरोना महामारी तो अब आई है, वो सब जगह आ रही है, वो 2020-21 का एक आया, उससे भी हम निपटने में असफल रहे। हम चाहते तो बाहर, जब बीमारी बाहर थी तब रोक सकते थे, हमने बंदिशें तब लगाई जब बीमारियों को हमने अंदर बुला लिया। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो देश की यूनिवर्सिटीज का स्टेटस है, जो उनके विषय हैं, जो उनकी पढ़ाई है, जो वहाँ पे तकनीकी पढ़ाई है, जो उत्कृष्टता की बात है, उसमें जैसे QS बर्ड रैंकिंग है, उसमें भारतीय संस्थान शामिल हो रहा है, भारत के IIT दिल्ली के 4 विषय टॉप 100 विषयों में शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं की है, देश लगातार उस तरफ बढ़ रहा है। मैं सिर्फ JNU की बात कर रहा हूँ, JNU में सिर्फ 90% लोग अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस, और 10 यूनिवर्सिटी है देश की, वो 10% लोग ऐसे हैं जो विभिन्न संगठनों से आते हैं
और उनका काम हमेशा 2015 से आप 16 से देख लीजिए, 14 से देख लीजिए, लगातार वहां पे नारेबाजी माहौल लगातार वहां पे बिगड़ा हुआ है। और लगातार अभी तक 2022 तक जब नई वाइस चांसलर वहां पे शांति श्री दुमीपड़ी पंडित आ गई हैं, उसके बावजूद सारी चीजें जस की तस वैसी ही बनी हुई है। एक एक अमुक छात्र वर्ग है जिसको लेकर यह सिर्फ कहा जा सकता है कि वो पढ़ाई से दूर हट रहा है, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, लेकिन बाकी 90% बच्चे पूरी तरह से पढ़ रहे हैं। वहीं से आपको वित्त मंत्री मिला है, वहीं से आपको विदेश मंत्री मिला है, वो पुरानी पढ़ाई है, 2015 से पहले की पढ़ाई है और पिछले दशक की पढ़ाई है। उसमें देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसे कैसे बर्बाद किया जा रहा है अगर ये हमें देखना, तो 2015 के बाद हमें देखना चाहिए। और वहां जो बीसी हैं उन पर लगातार सवाल उठे माहौल खराब करने के, जो वहां 90% पढ़ने वाले छात्र हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। और अभी जो एक मंत्री थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था जब पिछला विवाद हुआ था कि यहां सहारनपुर के लड़कों को, हमारे लड़कों को भर्ती कर दीजिए, देखिए हम यहां सबको सुधार देंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह अब हमें टैंक लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो माहौल जो है सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, इस देश में शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। देखो राजनीति तो पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर सब जगह भारतीय ब्रेन की एक अच्छी डिमांड पैदा हो गई थी, और उनमें GNU मुंबई IIT है, इनकी बहुत अच्छी, खड़गपुर है आपका, बहुत अच्छी छाप जो है दुनिया में, बहुत अच्छी छवि बन रही थी, और इस को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है ये, इसकी ओर ना सरकार ध्यान दे रही है, लगता तो ऐसा है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो खुद इसमें कहीं ना कहीं से गलत मंशा से शामिल है। 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा है, जिसमें UGC और AICTE जैसी संस्थाओं का विलय कर दिया जाएगा। वो एक संस्था होगी जो पूरे देश में हायर एजुकेशन को संचालित करेगी, जैसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अभी सभी की परीक्षाएं करा रही है, इसी तरह से एक नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया गया है जो कि पूरे देश की सारी परीक्षाओं को, अलग अलग परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं उनको एक कंबाइंड तरीके से आयोजित करा सकता है। इससे छात्रों को कई सारी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के जरिए बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाला जो दशक है वो एजुकेशन के लिहाज से हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साबित हो। सरकार इस संदर्भ में काम करना शुरू कर चुकी है, जिसके लिए कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, समितियां गठित हो चुकी हैं, और NCERT द्वारा सिलेबस बना दिया गया है, पढ़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। तो अब आप इस तरह का जो समस्या है कि जो जिन छात्रों को पढ़ाई यूनिवर्सिटी में आके नहीं करनी उनको आप किसी भी तरह से नहीं करवा सकते, लेकिन जो छात्र कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई का माहौल मिल रहा है और पढ़ के वो आगे बढ़ेंगे। कोविड की वजह से जो 2 साल का खामियाजा छात्रों ने भुगता वो वाकई में सभी के लिए परेशानी भरा है। हम सभी के परिवारों में हमने देखा कि बच्चों की क्या हालत हो गई थी। अब 2 साल बाद जो बच्चा स्कूल पहुंचा है, जो नर्सरी का बच्चा है, KG का बच्चा, वो सब कुछ भूल चुका है, उसके लिए सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है। तो हमें ये बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में देश के हालात एजुकेशन के हिसाब से सुधरेंगे और ये जो बच्चे हैं, ये जो निकलेंगे बच्चे यहाँ से पढ़ के, ये आने वाले दशक में देश में बदलाव लाने का काम करेंगे। हम बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही सोचना चाहिए। हम उम्मीदें हमेशा कायम रहती हैं, और जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब रोशनी की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, और उसके सहारे एक सुनहरा भविष्य रचे जाते हैं, और अंधेरों से निकलकर सारी सभ्यताएं अपने लिए एक अच्छी सुबह, एक नई सुबह रचती हैं। तो ये जो दौर था कोरोना का, जो काल है, जो एक अंधेरी काली से रात की तरह आया है, और जो अपने साथ सांप्रदायिकता की आंधी लाया है, राजनीति की वजह से, चाहे नेताओं की वजह से उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द वो दूर होंगी। नई शिक्षा नीति कोई नई रोशनी लेकर आएगी और इससे काफी सुधार आएगा। विचारधाराओं का संघर्ष होता है, उन्हें वैचारिक रूप से होना चाहिए, वो बहस में दिखना चाहिए, वो बातचीत में दिखना चाहिए, कैंपस में लाठी डंडे और गोलियों में नहीं दिखना चाहिए, कैंपस में पुलिस घुस रही है इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।